हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस एम सी क्यू बताने वाला हूँ साथ में कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन सीरियल कम्युनिकेशन के किस तरह से की जाती है उस कम्युनिकेशन के भी हम इम्पोर्टेंस एम सी क्यू देखेंगे जो जेटको की एग्ज़ाम आने वाली है उसका एक लेटेस्ट सिलेबस है बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाके क्लिक कर दीजिए साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इन सभी का मटेरियल हमने हमारी टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे जिसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो चलिए दोस्तों अब हमारे पहले एम से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एम है वॉट इज़ ए फायर वॉल इन कॉम्प्यूटर नेटवर्क कॉम्प्यूटर नेटवर्क में फायर वोल क्या है तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलेगा वो हमारा सही आंसर होगा सी ए सिस्टम डिजाइनेड टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस अनऑथोराइज एक्सेस से हमको बचाने के लिए हम फायर वोल को डिज़ाइन करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक कौन सा डेटा सीरियल कम्युनिकेशन लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा फुल डुप्लेक्स का हम यूज़ करते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन देखें कंप्यूटर नेटवर्क इज कंप्यूटर नेटवर्क क्या है तो कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा ऑल ऑफ द एबो इसमें क्या इंक्लूड होते हैं तो कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सिस एंड इन्फॉर्मेशन ये सब हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में इंक्लूड हो गए तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमारा होगा डी उसके बाद जो क्वेश्चन देखे प्रोटोकॉल्स आर प्रोटोकॉल्स क्या है तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर हो गए चार ऑप्शन में से वो सही आंसर होगा हमारा ए एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कॉम्पोनेंट्स एंड डी इज़ आर टू कॉम्युनिकेट कम्युनिकेट कराने के लिए और कम्युनिकेशन कंपोनेंट के साथ एग्रीमेंट के लिए हम प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेड्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेड्स इनमें से कौन सा नहीं है तो आपके सामने चार ऑप्शन है उसमें से हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा अंडरग्राउंड थ्रेड्स अंडरग्राउंड थ्रेड्स है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेड्स नहीं है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पॉसिबल वेज ऑफ डेटा एक्सचेंज इनमें से कौन सा वे है वो डेटा एक्सचेंज के लिए नहीं यूज़ किया जाता तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमारा बी होगा मल्टीप्लेक्सर सिम्प्लेक्स से कर सकते हैं हाफ डुप्लेक्स से कर सकते हैं और फुल डुप्लेक्स से भी हम डेटा कम्युनिकेशन या डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लेक्सर से हम नहीं कर सकते उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर्स और डिवाइस और बिटवीन नोट्स इन ए नेटवर्क इज़ कोल्ड जब हम कंप्यूटर्स के बीच में या कोई डिवाइस के बीच में या कोई दो नोट्स के बीच में डेटा को फ्लो कराते हैं उसका जो मैनेजमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं तो उसे हमारा सही आंसर होगा ए फ्लो कंट्रोल उसे बोला जाता है उसके बाद जो क्वेश्चन देखें च ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज और आर डिफाइनेड इन ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड होता है तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा बी एंड सी टी सी पे एंड यू डी पी दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन देखें वॉट इज द साइज ऑफ एम एस सी एड्रेस एम ए सी एड्रेस की साइज क्या है इनमें से तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ओ बी सी मिलता है फोर्टी एट बिट्स है और एम एस सी एड्रेस की सही साइज़ है उसके बाद जो क्वेश्चन देखे रिपीटर ऑपरेटर्स इन विच लेयर ऑफ द ओ एस आई मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं ओ एस आई मॉडल से तो इनमें से रिपीटर ऑपरेटर इन विच लेयर इनमें से कौन सा लेयर तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ओ ए मिलता है फिजिकल लेयर इसमें इंक्लूड होता है उसके बाद जो क्वेश्चन देखे विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल ऑल्सो कोल्ड एंड टू एंड लेयर एंड टू एंड लेयर ओ एस आई मॉडल में इनसे किसे बोला जाता है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसे हम एंड टू एंड लेयर भी बोलते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डी एस एल इज द एब्रेसिव ऑफ ए डी एस एल का फुल फॉर्म क्या है तो उसका हमारा सही आंसर होगा डी ए एशियोमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन उसके बाद देखें हाउ मेनी लेयर्स डज ओ एस आई रेफरेंस मॉडल हैज़ इनमें से कितने लेयर होते हैं ओ एस आई रेफरेंस मॉडल के लिए तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी सेवन लेयर्स उसके होते हैं उसके बाद क्वेश्चन देखें वाई आई पी प्रोटोकॉल इज कंसिडर एज अनरिलाएबल आईपी का प्रोटोकॉल है वो क्यों हम अनरिलाबल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबो ए पैकेट मे बी लॉस्ट पैकेट्स में एराई आउट ऑफ ऑर्डर डुप्लीकेट पैकेट्स मे बी जनरेटेड इसीलिए हमारा सब इसमें इंक्लूड होते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द नेटवर्किंग नेटवर्किंग का बेनिफिट क्या है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ओ डी मिलेगा ऑल ऑफ द एबो इसमें क्या इंक्लूड होते हैं तो फाइल शेयरिंग होता है ईजाइर एक्सेस टू तो रिसोर्सेस होता है और इजायर बैकअप के लिए हम फाइंड कर सकते हैं इजीली बैकअप फाइंड कर सकते हैं वो सब इस नेटवर्किंग में इंक्लूड होते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन देखे ब्रिज वर्क इन विच लेयर ऑफ द ओ एस आई मॉडल ब्रिज है वो कौन से लेयर में वर्क करता है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी डेटा लिंक लेयर है उसमें हमारा ब्रिज है वो वर्क करता है उसके बाद क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्किंग डिवाइसिस इनमें से नेटवर्किंग डिवाइसिस कौन सा नहीं है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो बी है लिनक्स क्योंकि लिनक्स है वो हमारा यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है उसके बाद जो क्वेश्चन देखें व्हाट इज़ द मैक्सिमम हेडर साइज ऑफ एन आई पी पैकेट आई पी पैकेट की मैक्सिमम साइज क्या है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा सिक्सटी बाइट्स है वो आई पी पैकेट की साइज होती है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्हाट इज द एड्रेस साइज ऑफ आई पी वी सिक्स आई पी वी सिक्स का जो एड्रेस साइज है वो कितना होता है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी 128 बिट्स जितना होता है उसके बाद जो क्वेश्चन देखें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आर ए आई डी आर ए आई डी का फुल फॉर्म क्या है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हमें मिलेगा ए रिडनडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क जिसे हम आर ए आई डी बोलते हैं उसका फुल फॉर्म उसके बाद जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आई पी एड्रेस इन आई पी हेडर इनमें से सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की आईपी हेडर की साइज क्या है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी थर्टी टू बीट से उसकी सही आंसर होगा उसके बाद जो क्वेश्चन देखें व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग इन नेटवर्किंग नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्टिंग का मीनिंग क्या होता है तो उसका यहाँ पे हमें सही आंसर मिलता है वो ए है इट मीनस एड्रेसिंग ए पैकेट टू ऑल मशीन सभी मशीन्स को एड्रेसिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं बोडकास्टिंग उसके बाद जो क्वेश्चन देखें व्हाट इज़ द टिपिकल रेंज ऑफ इफेमेरल पोर्ट्स इफेमेरल पोर्ट्स की रेंज क्या होती है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा वन ज़ीरो टू फोर टू सिक्स डबल फाइव थ्री फाइव जितनी रेंज उसकी होती है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ए सेट ऑफ रूल्स देट गवर्न ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज कोल्ड यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है प्रोटोकॉल्स हमारा सही आंसर होगा सी उसके बाद देखें कंट्रोलिंग एक्सेस टू ए नेटवर्क बाय एनालाइजिंग द इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स इज कॉल्ड आउट एंड इनकमिंग पैकेट क्या बोलते हैं उसे तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सी पैकेट फिल्टरिंग उसे बोला जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एच सी पी इज़ द एब्रेसिव ऑफ डी एच सी पी का फुल फॉर्म क्या है तो हमारा डी एच सी पी का फुल फॉर्म हमारा सही होगा आंसर बी डायनेमिक वर्स्ट कन्फ्यूगेशन प्रोटोकॉल उसके बाद जो क्वेश्चन देखे वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क नेटवर्क में हम ब्रिज को क्यों यूज़ करते हैं तो उसका सही आंसर हमें मिलेगा वो हमारा ए होगा टू कनेक्ट लैन लैंड को कनेक्ट करने के लिए बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क उसके बाद जो क्वेश्चन देखें नेटवर्क कंजेसन्स अकर्स किस तरह से अकर्स होती है नेटवर्क में तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग जब ट्रैफिक ओवरलोडिंग होती है तब नेटवर्क हमारा जाम हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंडविथ इन नेटवर्क नेटवर्क में बैंडविथ का मीनिंग क्या है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेशन चैनल की जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो हम बैंडविथ में मेजर करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्रोवाइड्स एट कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेज तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमारा ए होगा टी सी पी तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको थर्टी क्वेश्चन नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्किंग के बताए हैं उसके साथ ही कम्युनिकेशन के भी बताए हैं ये वीडियो एक बार में देखने से आपको पता नहीं चल सकता इसलिए दो तीन बार जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो